हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर हूँ एमआई का पावर बैंक हाइपरसोनिक। ये एक 20,000 एमएच का पावर बैंक है जो कि 50 वाट की स्मार्टफोन चार्जिंग को सपोर्ट करता है और साथ ही में सपोर्ट करता है 45 वाट की लैपटॉप चार्जिंग को भी। तो आइए दोस्तों आज करते हैं इस पावर बैंक को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिजाइन को, परफॉर्मेंस को और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये सच में 50 वाट का पावर बैंक है। तो चलिए आज देखते हैं ये सब। आइए सबसे पहले देखते हैं इसके डिब्बे को और करते हैं इसको अनबॉक्स। MI का ये पावर बैंक आता है कुछ इस टाइप की पैकिंग में। ये MI का हाइपरसोनिक 20,000 एमएच का पावर बैंक है जो कि 50 वाट की स्मार्टफोन चार्जिंग को सपोर्ट करता है और साथ ही में ये 45 वाट की लैपटॉप चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, 45 वाट की हाइपरसोनिक चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसमें स्मार्ट पावर मैनेजमेंट है। कैसा ये दिखता है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप इसके फीचर्स पढ़ सकते हो। बॉक्स में MRP है 4,999 रुपीज़। और ये कहाँ ये बना हुआ है, किसने इसको इम्पोर्ट किया हुआ है, सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। ये 20 सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। तो ये है बॉक्स जिसमें ये पावर बैंक आता है। चलिए आप करते हैं इसको अनबॉक्स। बॉक्स में है एक यूजर मैनुअल, मेन पावर बैंक और एक USB Type-C चार्जिंग केबल। बस डिब्बे में यही कुछ आता है। तो यह है MI का हाइपरसोनिक 20,000 एमएच का पावर बैंक। दिखने में ये कुछ इस टाइप का पावर बैंक है, मेटी सा फिनिश है बट पता नहीं क्यों ये हाथ में फिसल रहा है। यहाँ पर MI लिखा हुआ है। यहाँ पर हैं दो USB Type-A पोर्ट, एक बीच में Type-C पोर्ट भी है, साथ में चार इंडिकेटिंग लाइट्स हैं। यहाँ पर एक फिजिकल बटन हो गया। यहाँ पर इसके फीचर्स के बारे में बताया गया है। तो दिखने में लुक एंड डिज़ाइन में बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि इनके और पावर बैंक्स होते हैं। चलिए दोस्तों अब इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी चार्जिंग को टेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि बैटरी इस समय कम है। चार्जिंग को टेस्ट करने के लिए मैं जियोटेक के इस 100 वाट के चार्जर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऑब्वियसली 50 वाट का पावर बैंक है तो चार्जर इससे ज़्यादा ही वाटेज का चाहिए होगा। तो मैं जियोटेक के इस 100 वाट के चार्जर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और पावर को मॉनिटर करने के लिए मैं इस पावर मॉनिटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलिए चार्जिंग पर इसको कनेक्ट करते हैं। इस समय ये पावर बैंक चार्ज हो रहा है 14.8 वोल्ट पर और करंट है 2.57 एम्पियर, मतलब कि 38.12 वाट पर ये पावर बैंक इस समय चार्ज हो रहा है। जबकि इसके डिब्बे पर लिखा हुआ है कि ये इनपुट में 5 वोल्ट एट 3 एम्पियर, 9 वोल्ट एट 3 एम्पियर, 12 वोल्ट एट 3 एम्पियर, 15 वोल्ट एट 3 एम्पियर और 20 वोल्ट एट 2.25 एम्पियर तक चार्ज हो सकता है। तो राइट नाउ ये 15 वोल्ट पर चार्ज हो रहा है और अराउंड 2.6 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है, मतलब कि 38 वाट। इस समय मैं बेसस के इस 120 वाट के चार्जर से इसको चार्ज कर रहा हूँ। यहाँ पर भी वोल्टेज सेम है, करंट भी सेम है और वाटेज है 39 वाट। जबकि मेरा ये चार्जर PD 3.0 में 20 वोल्ट एट 3 एम्पियर तक, मतलब कि 60 वाट तक सपोर्ट करता है। ऐसे ही मैंने और भी बहुत सारे अडेप्टर्स को टेस्ट किया है। ये पावर बैंक मैक्सिमम 15 वोल्ट पर ही चार्ज हो रहा है। तो जो यहाँ पर बताया गया है 20 वोल्ट की चार्जिंग को ये पावर बैंक इनपुट में सपोर्ट करता है, ये डाटा अभी तक के लिए तो गलत लग रहा है। हो सकता है कि किसी चार्जर से ये 20 वोल्ट पर चार्ज हो जाए बट मेरे पास जितने भी चार्जर है उससे ये मैक्सिमम 15 वोल्ट पर ही चार्ज होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब इसकी आउटपुट्स को भी देख लेते हैं। टेस्टिंग पर्पस के लिए मैं विट्रन के इस U2 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आइए सबसे पहले Type-A पोर्ट को देख लेते हैं कि ये कौन कौन से प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। इसका Type-A पोर्ट Apple की 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पियर, Samsung की 5 वोल्ट एट 2 एम्पियर, BC 1.2 में DCP 5 वोल्ट एट 1.5 एम्पियर, Qualcomm क्विक चार्ज 2.0 में 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, Qualcomm क्विक चार्ज 3.0, Samsung की अडेप्टिव फास्ट चार्जिंग 9 वोल्ट, Huawei की फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल 5 वोल्ट 9 वोल्ट, बस इसी को सपोर्ट करता है। इसका Type-C पोर्ट PD 3.0 में 20 वोल्ट एट 2 एम्पियर, मतलब कि 40 वाट, PPS में 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 5 टू 11 वोल्ट, 5 टू 20 वोल्ट, Qualcomm क्विक चार्ज 4 प्लस, Apple की 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पियर, Samsung की 5 वोल्ट एट 2 एम्पियर, BC 1.2 में DCP 5 वोल्ट एट 1.5 एम्पियर, Qualcomm क्विक चार्ज 2.0 में 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, Qualcomm क्विक चार्ज 3.0, Samsung की अडेप्टिव फास्ट चार्जिंग 9 वोल्ट और 12 वोल्ट,
और Huawei की फास्ट चार्जिंग 5 वोल्ट और 9 वोल्ट को सपोर्ट करता है और ये PPS और Qualcomm क्विक चार्ज 4 प्लस वाला प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पर 50 वाट की चार्जिंग का तो पता नहीं, बट 40 वाट की चार्जिंग तो कंफर्म है कि हमें इसके टाइप सी पोर्ट से मिल जाएगी इन PD 3.0। आइए इसको एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। मैं विट्रन के इस यूट्यूब को एज ए मॉनिटर इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसको एज ए डिजिटल लोड। चलिए सबसे पहले टाइप ए पोर्ट को देख लेते हैं। इसका टाइप ए पोर्ट 5 वोल्ट पर आउटपुट में 3 एम्पीयर तक मैक्सिमम दे सकता है। चलिए देखते हैं कि क्या ये दे पाता है। डेफिनेटली हमें 5 वोल्ट पर 3 एम्पीयर मतलब कि 15 वाट इसके टाइप ए पोर्ट से मिल जाते हैं। आगे देखा जाए तो 3.15, 3.25 के बाद वोल्टेज काफ़ी ड्रॉप कर जाती है और ये जो पावर बैंक है ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मोड पर चला जाता है। आइए अब वोल्टेज को बढ़ाते हैं। तो इस समय मैंने वोल्टेज को 9 वोल्ट कर दिया है। ये पावर बैंक टाइप ए पोर्ट से 9 वोल्ट पर 2.23 एम्पीयर तक दे सकता है। इस समय 9 वोल्ट पर 2.5 एम्पीयर तक करंट जा रहे हैं मतलब कि 22.7 वाट। अराउंड 9 वोल्ट पर 3.3 एम्पीयर मतलब कि 29 वाट तक हमें इसके टाइप ए पोर्ट से एट 9 वोल्ट मिल जाते हैं और उसके बाद डेफिनेटली ये जो पावर बैंक है ये प्रोटेक्शन मोड को ऑन कर देता है। आगे मैं इसके टाइप ए पोर्ट से ले सकता हूँ 12 वोल्ट एट 1.67 एम्पीयर। इस समय 11.9 वोल्ट पर 2.44 एम्पीयर मतलब कि 29 वाट इसके टाइप ए पोर्ट से हमें मिल रहे हैं और अगर मैं और करंट को आगे बढ़ाता हूँ तो डेफिनेटली ये बंद हो जाता है। तो इसका टाइप ए पोर्ट हमें मैक्सिमम एट 9 वोल्ट एट 12 वोल्ट 29 वाट तक हमें दे सकता है। चलिए दोस्तों अब इसके टाइप सी पोर्ट को चेक कर लेते हैं। इसका टाइप सी पोर्ट 5 वोल्ट पर 3 एम्पीयर, 9 वोल्ट पर 3 एम्पीयर, 12 वोल्ट पर 3 एम्पीयर, 15 वोल्ट पर 3 एम्पीयर और 20 वोल्ट पर 2 एम्पीयर तक दे सकता है और 5 टू 11 वोल्ट एट 3 एम्पीयर और 5 टू 20 वोल्ट एट 2 एम्पीयर तक PPS में दे सकता है। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। वोल्टेज को मैंने 9 वोल्ट पर स्विच कर दिया है। इस समय 8.78 वोल्ट पर 3 एम्पीयर मतलब कि 26.7 वाट हमें इस पावर बैंक से मिल रहे हैं। चलिए करंट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो अराउंड 29 वाट तक ये गया था और उसके बाद पावर बैंक ऑफ हो गया। चलिए अब देखते हैं एट 15 वोल्ट पर। इस समय 14.8 वोल्ट पर 3.35 एम्पीयर मतलब कि 49.5 वाट इसके टाइप सी पोर्ट से हमें आउटपुट में मिल रहे हैं। आइए करंट को और आगे बढ़ाते हैं तो ये बंद हो गया। 50 वाट तो हमें इससे अभी मिल चुके हैं। चलिए अब 20 वोल्ट पर देख लेते हैं। इस समय 19.85 वोल्ट पर 2.85 एम्पीयर मतलब कि 56.5 वाट इसके टाइप सी पोर्ट से हमें आउटपुट में मिल रहे हैं। डेफिनेटली इसका टाइप सी एंड आउटपुट में 50 वाट तक हमें दे सकता है। इवन 50 क्या, 50 से कहीं ज्यादा 56 वाट तक इसके टाइप सी एंड से हमें मिल जाते हैं एट 20 वोल्ट। और अगर आप 15 वोल्ट पर आउटपुट ले रहे हो तो आपको मैक्सिमम 49.5 वाट मिलते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसी डिवाइस है, लैपटॉप है या फिर टैबलेट है जो कि 50-55 वाट की PD 3.0 को सपोर्ट करता है 20 वोल्ट या फिर 15 वोल्ट, तो डेफिनेटली आप इस पावर बैंक से उसको फास्टली चार्ज कर सकते हो, 50 वाट पर 55 वाट पर चार्ज कर सकते हो। बाकी इसका जो टाइप ए एंड है ये मैक्सिमम 29 वाट तक दे सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ प्रोटोकॉल्स डेफिनेटली कहूँगा कि अभी तक का ये सबसे पावरफुल पावर बैंक है। ये मल्टीपल प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, PD 3.0 को सपोर्ट करता है, Qualcomm क्विक चार्ज 2.0 को सपोर्ट करता है, 3.0 को सपोर्ट करता है, 4 प्लस को सपोर्ट करता है। साथ ही में ये Samsung की अडेप्टिव फास्ट चार्जिंग, Huawei की फास्ट चार्जिंग और Apple की 2.4 एम्पीयर को सपोर्ट करता है। तो मैं तो दोस्तों उसको रेकमेंड करूँगा। बाकी इस पावर बैंक के अंदर क्या है, इसको चार्ज होने में कितना समय लगता है और ये कितनी कैपेसिटी का है, आपके मोबाइल फ़ोन को कितनी बार ये चार्ज कर पाएगा, इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना जिसमें हम लोग इस पावर बैंक को खोलेंगे भी और इसको फुली टेस्ट भी करेंगे। तो फिलहाल अभी तक के लिए यही है कि हमारे रिव्यू में
ये सबसे पावरफुल पावर बैंक है जिससे आप अपने लैपटॉप्स को भी चार्ज कर सकते हो, पावर अप कर सकते हो, अगर वो PD 3.0 में 50-55 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो मैं तो इसको रेकमेंड करूंगा। अगर आप इस पावर बैंक को मंगवाना चाहते हो तो इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कर ही रहे तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर स्टेप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।